अयोध्या के लिए अफगानिस्तान से आया खास तोहफा। तालिबान राज वाले अफगानिस्तान ने भेजा उपहार। पाकिस्तान से भी आया स्पेशल गिफ्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता। जैसे जैसे 22 जनवरी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या के साथ साथ पूरे देश की जनता का जोश हाई है। आलम यह है कि देश की जनता या तो अयोध्या का रुख कर रही है या फिर अपने घरों में ही राम लला को विराजमान कराने की तैयारी कर रही है। देश में दिवाली से पहले ही दिवाली की धूम देखी जा रही है और ऐसा लग भी रहा है कि इस बार जनवरी में ही दिवाली का त्योहार मनने जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अयोध्या में होने वाले इस जश्न का साक्षी बनने के लिए सिर्फ हिंदुस्तान के लोग ही नहीं बल्कि विदेश भी काफी उत्साहित है। शायद इसीलिए विदेशों से भी अब रामलला के लिए उपहार भेजे जा रहे हैं। 22 जनवरी को होने वाले भव्य कार्यक्रम से पहले पाकिस्तान से एक खास चीज उपहार के तौर पर आई। पाकिस्तान से आई इस खास चीज का इस्तेमाल भगवान को लगने वाले भोग में होगा। हम बात कर रही है सेंधा नमक की। दरअसल सेंधा नमक का इस्तेमाल व्रत के खाने में किया जाता है। पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जहां पर सेंधा नमक होता है, लिहाजा भारत वहीं से सेंधा नमक लेता है। ऐसे में राम मंदिर उद्घाटन समारोह के लिए अब पाकिस्तान ने खुद से सेंधा नमक उपहार के तौर पर भेजा है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि तालिबान राज वाले अफगानिस्तान से भी एक खास तोहफा अयोध्या के लिए आ रहा है। दरअसल अफगानिस्तान की फेमस नदी काबुल नदी, जिसे वहां की भाषा में कुबा भी कहा जाता है, उस नदी का जल प्रभु श्री राम के अभिषेक के लिए भेजा गया है। प्रभु श्री राम के लिए देश विदेश से इसी तरह के उपहार आने का सिलसिला लगातार जारी है। बाकी बात करें देश के अलग अलग राज्यों की, तो बनारस से 1000 पान आ रही हैं जो भक्तों में बांटे जाएंगे। चंडीगढ़ से 125 क्विंटल शुद्ध देसी घी के लड्डू आ रहे हैं। आगरा से पेठा, जयपुर से घी और छत्तीसगढ़ से फूल आए हैं। रामलला को 56 तरह के पकवानों का भोग लगाया जाएगा, जिसको लेकर तमाम राज्यों में उत्साह देखा जा रहा है। मेरे पास कश्मीर के कुछ मुसलमान भाई और बहन आए थे, उन्होंने बड़ा आनंद व्यक्त किया कि यहाँ रामलला का मंदिर बन रहा है। उन्होंने कहा मुझे कि हमारा मजहब अलग है पर हमारे पुरखे एक हैं और राम हमारे सबसे आदरणीय पुरखे हैं। ऐसा कहने के बाद उन्होंने मुझे कश्मीर का 2 किलो केसर, जो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड है, वो श्री रामलला की सेवा के लिए भेंट किया। इस कार्यक्रम में, इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के जो मुख्य यजमान हैं, मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा जी को यह केसर भेंट कर रहा हूँ। यह अफगानिस्तान से आया था, काबुल से, और वहाँ से ब्रजेश और प्रशांत जी ने इस कुभा रिवर का जल भगवान के अभिषेक के लिए दिया। ये भी मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा जी को के द्वारा ट्रस्ट को समर्पित कर रहा हूँ। फिलहाल देश विदेश में जिस तरह से राम मंदिर को लेकर उत्साह देखा जा रहा है, उसे लेकर अब आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।